लक्ष्य सोर्ट पंचकुला में आपका स्वागत है। आज हम लोग 27th चैप्टर जो कि प्रफिक्स चैप्टर करेंगे। प्रफिक्स का मतलब बच्चों होता है जो चीज शुरुआत में आती है, जैसे कि किसी नाम के आगे श्री रमेश कुमार, तो जो पहले आया श्री वो उसका प्रफिक्स है। जैसे इंग्लिश में लिखते हैं मिस्टर, मिसेज, मिस, तो ये सारी की सारी चीजें जो नाम से पहले आती हैं वो प्रफिक्स की कैटेगरी में डाली जाती हैं। तो हम कैसे उन चीज़ों को करेंगे, क्या क्या प्रयोग होता है, किस प्रकार से हमने उन चीज़ों को समझना है, ये सारी बातें इस चैप्टर में हमें बताई गई हैं। तो आप ध्यान से सुने इन बातों को, काफ़ी अच्छा चैप्टर है ये भी। काफ़ी बार बच्चों शब्द के शुरुआत में आप लोगों ने देखा होगा कन, कम, कोग, कौन, इस टाइप की साउंड आती है। तो उसके लिए हमने शब्द के बिल्कुल टॉप पर, जैसे आपने कई बार देखा होगा जो निशानेबाजी में जैसे किसी के सर के ऊपर सेब रख दिया जाता है, या हम सर पे टोपी पहनते हैं, वो बिल्कुल टॉप पर होता है, तो उस प्रकार से ये बिंदी लगा दी जाती है। ये इन सब के लिए लगाई जाएगी। उदाहरण के माध्यम से आपको और अच्छे से समझ में आएगा। जैसे शब्द है कम्बाइन, COMBINE, पहले आप बी बनाएंगे, फिर कन कम की डॉट लगाएंगे, फिर आई, कम बाइन। कॉमेंस, COMMENCE, नेस, फिर कन कम के लिए डॉट और ये कॉमेंस। कनेक्शन, CONNECTION, कसन, कन कम की डॉट। कॉन्ग्रेचुलेट, CONGRATULATEE, कॉन्ग्रेचुलेट, ये डॉट बाद में लगाना बच्चों। कॉन्ग्रेचुलेशन, CONGRATULATION, कॉन्ग्रेचुलेशन। कमिट, COMMIT, कमिट, इसको बच्चों अंडरलाइन करेंगे क्योंकि ऐसा ही वर्ड एक और होता है COMMITTEE, कमेटी। कमिट कभी कभार आता है, कमेटी बहुत ज़्यादा आता है, इसलिए इसको हमने फ्री छोड़ना है, उसमें अंडरलाइन करना है। कॉमोडिटी, COMMODITY, ये डबलिंग हो जाएगा, कॉमोडिटी, इस प्रकार से आप इसको लिखोगे। काफ़ी वर्ड्स ऐसे हैं बच्चों जिसके अंदर कन कम की साउंड शुरुआत में आएगी, लेकिन आपने उसको पूरा ही बनाना है। कारण यह है कि आउटलाइन हमारी क्लियर होनी चाहिए। जैसे वर्ड है कमीशन, COMMISSION, इसको हम पूरा बनाएंगे कमीशन, या कमिसरेट, कमिसरेट, या काउंसिल, COUNSEL, काउंसिल, खैर इसमें एन बीच में आ गया, कौंसल, COUNSUL, कौंसुल, ठीक है बच्चों। कल को, ये कन कम का जो डॉट है यह शब्द के बीच में आए तो उसके लिए हम लोग डिजॉइनिंग करवा देंगे। डिजॉइनिंग को हम किस प्रकार से करवाएंगे अब आप उसको समझने की कोशिश करें। जैसे वर्ड आया वेल कमिंग, शब्द के बीच में आ रहा है, तो वेल डिजॉइनिंग इंग, ये जो डिजॉइनिंग हमने की है इसका मतलब है कि शब्द के बीच में कन या कम आ रहा है। वेलकमिंग, बी कमिंग ली, बी इंग ली, बी कमिंग ली। अन कंट्रोल, अन कंट्रोल, अनकंट्रोल्ड हो तो नीचे की तरफ यूं काट देंगे हम लोग इसको। इन कंप्लाइंस, इन COMPLIANCE, वैसे तो ये दो अलग अलग वर्ड है तो ज्वाइनिंग वगैरह में भी इसका काम आ जाता है, जैसे इन कम प्लाइंस। रेकोगनाइज, री कोग नाइज,
जैसे मैंने ऊपर बताया था, कोग के लिए भी इसका प्रयोग करेंगे, रिकॉग्नाइज, रिकमेंडेशन, RECOMMENDATION, रिकमेंडेशन। इस वर्ड को बच्चों वैसे हम इस प्रकार से बना लेंगे, जैसे आपने पीछे पोजीशन वगैरह बनाया था तो ये आर के हमने सन का हुक लगा दिया, इसको रिकमेंडेशन पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। इसके अलावा इनकम्पीटेंट, इनके नीचे पी और टेंट, इनकम्पीटेंट, आई एम कंपेल्ड, हालांकि तीन वर्ड है लेकिन आई एम कनकम के लिए डिसजॉइनिंग और पी एल डाउन कंपेल्ड। इसके अलावा फ्रिजियोग्राफी में भी इसका प्रयोग होता है, जैसे ऑन द कमेटी, ऑन द कमेटी, COMMITTE, ऑन द कमेटी, ऑन द कंट्रेरी, ऑन द कंट्रेरी, ऑन द डिसजॉइनिंग कम के लिए और ट्रेरी, ऑन द कंट्रेरी, ठीक है बच्चों। इसके बाद आप समझेंगे, काफ़ी बार शब्द के शुरुआत में अकोम की आवाज़ आती है, अकोम, अकोमो, तो उसके लिए आप लोग के का प्रयोग करेंगे। जैसे वर्ड आया अकोमोडेशन, ACOMMO, अकोमोडेशन, अकोम और अकोमो के लिए के और डेशन, ये बन गया हमारा अकोमोडेशन। अकोमोडेट, अकोमोडेट, अकोमोडेटेड, अकंपनी, ACOMPANY, अकंपनी, इस प्रकार से हम इस वर्ड को बनाएंगे, ठीक है। इसके बाद तो बच्चों अकोम के बाद में वर्ड आता है इंट्रो, INTRO, इसके लिए हम लोग एन की डबलिंग कर देंगे। इसके एग्जांपल आप समझें, जैसे इंट्रो ड्यूस, तो ये इंट्रो ड्यूस, इंट्रोडक्शन, INTRO इंट्रो, DUCTION, इंट्रोडक्शन, के को हमने यहाँ पर ओमिट कर दिया यानी हटा दिया। इंट्रोस्पेक्शन, SPECTION, इंट्रोस्पेक्शन, इस प्रकार से आप इसको इंट्रोस्पेक्शन को पढ़ेंगे। काफ़ी बार बच्चों शब्द के शुरुआत में आपने देखा होगा मैग्ना, मैग्ने, मैग्नी, मैग्ना, मैग्ने, मैग्नी, इस टाइप की आवाज़ें आ जाती हैं, तो उसके लिए आपने एम की इसके बाद में जो आ रहा है मैग्ना, मैग्ने, मैग्नी के, उसके साथ डिसजॉइनिंग करवा देनी है, तो वो जो पहले वाला एम है उससे ये पता चल जाएगा कि मैग्ना, मैग्ने, मैग्नी ही आ रहा है। जैसे वर्ड आया मैग्नीफाई, तो मैग्ना, मैग्ने, मैग्नी, मैग्नीफाई, मैग्नेटाइज, मैग्नेटाइज, या मैग्ना नी मिटी, मैग्ना निमिटी, दोबारा समझे, मैग्ना निमिटी, सॉरी मैग्ना निमिटी, मैग्नीफाई, 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 इस प्रकार से हम इसको बनाएंगे। शब्द के शुरुआत में बच्चों आपने काफ़ी बार देखा होगा ट्रांस वर्ड आ जाता है, ट्रांस, जैसे पीछे आपने ट्रांजिशन या ट्रांजिशनल सन के हुक्म में भी समझा था, तो ये ट्रांस
वैसे तो ये लिखा जाएगा अकॉर्डिंग टू रूल, लेकिन काफी बार ट्रांस की बजाय ट्रास से भी हमारा काम चल सकता है। तो उस कंडीशन में ट्रास का जो सिंपल है एन को हम ओमिट कर देंगे, मतलब एन को नहीं लिखेंगे क्योंकि हमारा काम चल सकता है। उदाहरण से देखें, ट्रांसफर, तो ये बच्चों ट्रांसफर हो गया, ट्रांसफर कुछ वर्ड नहीं होता, ट्रांसफर ही होता है। ट्रांसपोर्ट, इसको बच्चों ये समझो कि ट्रांसपोर्ट, हालांकि हमने ट्रांसपोर्ट बनाया लेकिन ट्रांसपोर्ट कुछ नहीं होता, ट्रांसपोर्ट ही होता है, ट्रांसपोर्टली। ट्रांसमिशन, तो इसमें हम ट्रांसमिशन बना दिया, ट्रांसमिशन कुछ भी नहीं होता, ट्रांसमिशन ही होता है। ट्रांसमिट, ट्रांसमिट बनाया, ट्रांसमिट ही होगा। ट्रांसलेशन, 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 तो इसका मतलब यही है कि ट्रांसलेशन वर्ड है ये है। या ट्रांसपेरेंट, TRANSPARENT, ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंसी, TRANSPARENCY, ट्रांसपेरेंसी। इस प्रकार से आप लोग इसको पढ़ाएंगे। कुछ वर्ड ऐसे होते हैं बच्चों जिसमें हमने इसको पूरा बनाना होता है, हर एक रूल के साथ कुछ ना कुछ ऐसा होता ही है, तो हमने उसको फिर पूरा बना देना है, कोई वो वाली बात नहीं है, जैसे जो बने उसको वैसे ही बना दो। ट्रांजिट, अब ये तो पॉसिबल नहीं है इसलिए इसको हम पूरा ही बनाएंगे, ट्रांजिट। या ट्रांसेंड, TRANSCEND, ट्रांसेंड, ठीक है। काफी बार बच्चों आप लोगों ने देखा होगा शब्द से पहले सेल्फ आ रहा है, सेल्फ, तो हम क्या करेंगे, जो जिस भी वर्ड से पहले सेल्फ की आवाज आ रही है एक सर्कल दे देंगे उस वर्ड के बिफोर में सेकंड प्लेस पर। किस प्रकार से समझें आप, जैसे वर्ड आया डिफेंस, आपने ये बनाया डिफेंस, वर्ड आया मेड, आप इस प्रकार से बनाएंगे, वर्ड आया रिस्पेक्ट, ये आगे कंट्रैक्शन है बच्चों जो कि आपके भविष्य में आएगी, तो हम इनको ऐसे बनाएंगे। कल को वर्ड आ जाए सेल्फ डिफेंस, तो ये जो डिफेंस है इसके यहाँ पे सेकंड प्लेस पे बिफोर में एक सर्कल हम लोग लगा देंगे, सर्कल दिखना चाहिए इस प्रकार से, इसके अंदर से वाइट जो पोर्शन है वो दिखनी चाहिए, ये हमारा डिफेंस। सेल्फ, ये हमेशा ध्यान दे बीच में डैश आता है, मेड, आप इसको ऐसे बनाएंगे, सेल्फ रिस्पेक्ट, तो आपको पता चल गया शब्द के सेल्फ आने की कंडीशन में हमने किस प्रकार से उसको दूसरे वर्ड से पहले बनाना है। तो बच्चों आपने सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ मेड, सेल्फ डिफेंस वर्ड को समझा। उसके बाद में कल को मानो सेल्फ के बाद में कन कम आए तो इसको कैसे क्या कुछ हमने करना है वो आप समझें। जैसे वर्ड आया बच्चों पीछे आपने सीखा था कंट्रोल, आपने ये बनाया था कंट्रोल, अब मानो हमारा आ गया सेल्फ कंट्रोल, तो जो कन कम वाली जगह थी वहां पर हम सर्कल लगा देंगे, उससे ये पता चल जाएगा कि भैया
सेल्फ के लिए ये लगाया गया और कनकम तो आ ही रहा है, जैसे वर्ड आया सेल्फ कॉन्फिडेंट। अगर कॉन्फिडेंट होता तो हम उसको इस प्रकार से बनाते, और कल को कॉन्फिडेंस होता तो उसके लिए हम ये लगाते। तो सेल्फ कॉन्फिडेंस, इसको आप लोग इस प्रकार से लिखेंगे। इसके बाद हम बच्चों, काफी बार आप लोगों ने देखा होगा कि str, skr और h जो कि इस प्रकार से लिखे जाते हैं, str, skr या h, इनसे पहले इन आ जाता है इन, तो फिर क्या बनेगा इंस्टर, इंस्कर और इन एच। तो उसमें क्या करना होता है, जैसे आपने पोजीशन वगैरह में जो पीछे निकाला था उसको ही इंस्टर, इंस्कर और इन एच इस प्रकार से आप लोग उसको लिखेंगे। क्या क्या उदाहरण हो सकते हैं देखें, इंस्ट्रूमेंट, इंस्ट्रूमेंट, इंस्क्राइबर, इंस्क्राइबर, इनहैबिट, इनहैबिट, हैबिट जो है वो वर्ड पीछे आपका ऑलरेडी आ चुका हैविंग प्रिंसिपल में, तो हैबिट थर्ड प्लेस का है, ये इनहैबिट, हैबिट के अंदर हमने इन जोड़ दिया, इन जोड़ने के बाद वो थर्ड प्लेस का है तो लाइन तो कटेगा ही। काफी बार नेगेटिव फॉर्म में इसका प्रयोग नहीं किया जाता, जैसे वर्ड आया जी हॉस्पिटेबल, हॉस्पिटेबल आपने ये बना दिया हॉस्पिटेबल। अब आ गया इन हॉस्पिटेबल, तो इसको राइटर ये कह रहा है कि इसको ऐसे बनाओ, मैं बच्चों ये कहूँगा कि आपका मन करे वैसे बना दो, ये बनाना हो तो ये बना दो और ये बनाना हो तो ये बना दो, कोई भी दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट वर्ड है जी ह्यूमैनिटी, 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 इन ह्यूमैनिटी, किताब के हिसाब से ये ऐसी बननी चाहिए, मैं ये कहूँगा आपका मन करे वैसे ही बना दो, ये बनानी हो ये बनाओ बच्चों, ये बनानी हो ये बनाओ, आपने देखना जो आपके लिए कंफर्ट है वो आप बना ले, ठीक है बच्चों। इसके बाद में काफी बार ऐसा होता है कि आर या एल, इससे पहले अगर वावल आ रहा है तो ये डाउनवर्ड जाएंगे, तो वो आप दोबारा से समझें, आर ई एस ओ एल यू टी ई, रेजो लूट, रेजो लूट, कल को आर से पहले वावल आ जाता है तो क्या बन गया इर रेजोलूट, तो इसमें ये डाउन आएगा इर रेजोलूट, रेसिस्टिबल, आर ई एस आई एस रेसिस्टिबल, रेसिस्टिबल, और अगर इर रेसिस्टिबल आ जाए तो उसके लिए और डाउन बाकी एज इट इज रहेगा इरेसिस्टिबल। एक और उदाहरण देखें आप, लिमी टेबल, लिमी टेबल और इलिमिटेबल, आई डबल एल आई इली मी टेबल एल डाउन मेबल, इसका मतलब ये है कि आर और एल से पहले अगर वावल आ रहा है तो वो डाउनवर्ड भी जाएंगे। ये बच्चों इस प्रकार से 6-7 ही उदाहरण हैं ये, तो इनको एज इट इज ही रटाफिकेशन ही करना होता है, वैसे तो स्टेनो में आपको पता है।
इसके बाद में जो नेक्स्ट पॉइंट है वो यह है कि यदि एल एम एन आर ये आ रहे हैं और इसका रिपीटेशन हो जाता है, जैसे लिमिटेबल है इसके स्थान पर कल को इलिमिटेबल आ जाए या लीगल है इलीगल आ जाए, तो क्या करेंगे हम इस वर्ड को दो बार लिखेंगे। किस प्रकार से देखें, LEGAL लीगल, और अगर इलीगल आ गया तो इल लीगल। इस एल का दो बार बोला जा रहा है, वो सिर्फ एक ही बार बोले जा रहे थे, ये अंतर समझने की कोशिश करें आप। नेसेसरी NECESSARY आपने बनाया बच्चों, नेसेसरी, नेसेसरी से आ गया अननेसेसरी, दो बार होने की वजह से इसको हमने दो बार लिख दिया। मॉर्टल MORTAL मोरेटल, आर हाफ है मॉर्टल, मॉर्टल से बन गया बच्चों इमोरटल, दो बार आया है ये, तो इमोरटल हाविंग प्रिंसिपल का रूल है, इसलिए हमने इसको इस प्रकार से नहीं बनाया, क्योंकि हाविंग प्रिंसिपल के अंदर मैंने आपको पीछे भी बताया था, जैसे विटनेस का उदाहरण दिया था मैंने, तो उसको इस प्रकार से लिखेंगे क्योंकि वो ऑलरेडी हाफ हो चुका है। इसके बाद में वर्ड आया जी हमारा रेडियंस, RADIANCE, तो रेडियंस इस प्रकार से आप इसको बनाएंगे। रेडियंस से नेक्स्ट वर्ड आया इररेडियंस, IRRADIANCE इररेडियंस, इसको हम इस तरह से लिखेंगे, ठीक है बच्चों। तो इसके बाद में एक दो वर्ड हैं, जैसे लोगोग्राम, लोगोग्राम में ये है कि दो वर्ड एक जैसे हैं उनको किस प्रकार से लिखना है, तो जो हम यूज करेंगे वो यही है कि ऑलमोस्ट, बुक में बच्चों ऑलमोस्ट ये होता है, लेकिन ये आई मस्ट हमारा ऑलमोस्ट ये ही रहेगा और यही बनाते हैं हम लोग। नेक्स्ट आया अंडर में स्टैंड जोड़ दिया आपने, ये हो गया हमारा अंडरस्टैंड। तो बच्चों इस प्रकार से ये जो हमारा चैप्टर था, जो कि काफ़ी अच्छा चैप्टर है स्टैंडों में, प्रफिक्स वो हमने कर लिया है। इसमें फिर से वही कहूँगा, अगर कोई डाउट है इसको दोबारा समझें। कनकम के लिए डॉट लगाया जाता है, कनकम बीच में आए तो डिसजॉइनिंग की जाती है, अकोम के लिए के बना दिया जाता है, इंट्रो के लिए डबलिंग एन कर दिया जाता है, मैग्ना मैग्ने मैग्नी के लिए एम की डिसजॉइनिंग, ट्रांस के लिए ट्रास, सेल्फ सेकंड प्लेस पे आएगा, सेल्फ कनकम आ जाए तो डॉट वाले स्थान पर जो आपने कनकम में लगाई थी वो सर्कल लगा देंगे हम लोग। सटर सकर एच से पहले इन आए तो जैसे पोजीशन वगैरह में पोजीशन पोजेशन ओपोजिशन फिजिशियन म्यूजिशियन आपने काफ़ी वर्ड्स किए हैं तो वो चीज़ें शुरुआत में आ जाएंगी। तो इस प्रकार से बच्चों हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप उस चीज़ को नोट कर लीजिए और हमसे पूछ के उस वर्ड को या उस डाउट को कंप्लीट करें, ठीक है बच्चों। बेस्ट ऑफ लक।